हिंदी वाले भी हैं कौन सा पेज चैप्टर 13 290 So we have to take this page. Chapa Therigatha. यहाँ पे ये लगा हुआ है ना लगा हाँ तो लगा हुआ पेज देख लो ना आप 13 चैप्टर में 292 नंबर पर से अच्छा पहले इसकी स्टोरी पढ़ ली है बिकॉज़ इट इज़ लाइक ए डायलॉग वैसे तो हम लोग शायद मालूम ही है स्टोरी इनकी उपक की जो भगवान जो समय संबुद्ध हो गए और फिर उधर जा रहे फिर तो रास्ते में जो पहला अजीब मिलता हमको उपक नाम से तो उसको वो कहते हैं कि पूछता है कि आप कौन हैं तो कहते हैं कि मैं समय संबुद्ध हूँ तो समझ नहीं आती कुछ तो कहता अच्छा होंगे और वो चला जाता है तो ये उसकी कहानी है कि उसके साथ भविष्य में क्या होता है आगे तो हम लोगों ने शायद चर्चा की हुई है ना उसकी तो आप चुनी की तो पीछे पढ़ लीजिए मैंने पूरी कहानी उसे नीचे पीछे डाल दी है तो उनको कहते हैं जैसे पिछले मैं इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन कर देता हूँ तो भगवान जब उसको कहते हैं आई एम दी फुल्ली एनलाइटेंड वन उस आपका टीचर कौन था कहते हैं मेरा तो कोई टीचर नहीं है सो ही कांट फिगर आउट व्हाट इज ही सेइंग बताते मैं काशी जा रहा हूँ वहाँ पे सिखाऊंगा धर्म तो कहते हैं ठीक है मे भी हो सकता है सच होगा तो वो अपने रास्ते से चला जाता है भगवान तो फिर आगे जाते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट है कोई वंघारा वहाँ चला जाता है वहाँ किसी जो शिकारी होते हैं उनके गांव में रहता है वहाँ पे और वहाँ पे एक जो हंटर शिकारियों का चीफ होता है वो आके उनको उसकी सेवा करता है उसको कुछ खाना दे जाता है तो एक दिन वो कहीं बाहर जाता तो अपनी बेटी चापा उसकी बेटी का नाम था उसको कहता है कि तुम हमारे भिक्षु आए हुए उनका ख्याल रखना और वो चला जाता है तो चापा जो होती है वो उनको खाना लेके जाती है और वो बहुत सुंदर होती है तो वो उसके उसमें सुंदरता को देख के उसके साथ इन्फेचुएट हो जाता है तो भोजन रख देती है लेकिन वो खाता नहीं है और वो विचार करता है कि जब तक मेरी चापा से शादी नहीं होगी मैं कुछ नहीं करूँगा खाऊँगा ही नहीं खाना एक हफ्ते बाद जब वो उसका चापा का पता बाप आता तो देखता है कि ये क्या हुआ कहती है तुमने उनको कहता उससे अपनी बेटी से तुमने खाना दिया वो कहता है एक दिन दिया उसके बाद आया ही नहीं अच्छा तो वो जाता है और देखता है कि वो सूखा हुआ पड़ा बिल्कुल भूखा तो अल्टीमेटली उसको बताता है क्या प्रॉब्लम है अच्छा मैं शादी करना चाहता हूँ तुम्हारी बेटी से कहता तुमको कुछ आता है शादी करोगे तो हमारे यहाँ तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा शेर नहीं कहता मुझे वो सब तो नहीं आता लेकिन हाँ मैं तुम्हारा जो तुम मीट बनाओगे मैं उसको लेके बेचाया करूँगा तो कहता ठीक है तो उसकी शादी करते हैं जिस समय बाकी उनका बेटा हो जाता है तो चापा उसको मजाक उड़ाती रहती है कि बेटे को जब वो लोरी सुनाती है तो कहती है वो ये इसमें यहाँ लिखा ओ सन ऑफ उप का सन ऑफ आजीव का सन ऑफ मीट कैरियर डोंट क्राई डोंट क्राई तो उसको मजाक उड़ाती रहती है उसका उसके अपने हस्बैंड का बार बार तो जब एक बार बहुत दिन हो जाते हैं तो वो बहुत बुरा लगता है उसको तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो कहती कहाँ जाओगे एंड ऑल दैट तो वो सब डायलॉग होते हैं उनके आपस में कहती है नहीं जाओगे मैं इतनी वैसी हूँ वैसी हूँ कहाँ जाओगे दैन ही सेज नहीं मैं जा रहा हूँ मैं और सहन नहीं कर सकता तुम ये मत सोचो मेरा कोई है नहीं मैं जानता हूँ जो भगवान बुद्ध को मैं उनके पास जाके
शिक्षा लेके मुक्त हो जाऊंगा। तो वो इवेंचुअली छोड़ के चला जाता है और वहाँ जाके काफ़ी साधना में आगे बढ़ता है। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने ग्रीन इसमें की हुई है, अगर हम देखें कि वो इस जन्म में जब वो जाता है साधना करते करते अनागामी हो जाता है एंड ही डाइज, अनागामी होके वो मर के वो जाता है दूसरे देवलोक में। और स्टोरी इट सेज अविहा रेल में कहीं जाता है, एट द वेरी मोमेंट ऑफ हिज रीबर्थ ही अटेन्स द स्टेट ऑफ अरहंटशिप। तो इस जन्म से अनागामी होके जब वो मरता है और अगले जन्म में देवलोक में जाता है तो वहाँ पे वो पैदा ही अरहंत होता है। एंड देन ही स्पेंड्स द रेस्ट ऑफ हिज टाइम देयर बिफोर हिज यही कहा आपने, पहले भी क्या बता सकता हूँ। तो उसमें उन्होंने कमेंट्री में लिखा है देयर हैव बीन सच स्टोरीज ऑफ सेवन बिकॉज़ यू वर रिबॉर्न इन अविहा रियल्म एंड गॉट फ्रीड ऑन रीप आफ्टर रीबर्थ बिकॉज डिजायर एंड हेटेड हैड बीन एलिमिनेटेड हेयर इटसेल्फ एंड देयर दे वेंट बियॉन्ड अटैचमेंट टू द वर्ल्ड। अनागामी की बात हो गई, उनके नाम है उपका परलगंधा पक्कुसत्ती बद्दी और खंदेवा। पक्कुसत्ती वही जो भगवान से किंग जो था वहाँ पे मिलता है, किंग गंधार का किंग गंधार का जो भगवान से वहाँ मिलता है कुमार की दुकान कुमार के घर में। He came walking from गंधार टू शापस्ती। तो जैसे ही वो यहाँ से छोड़ के उस जीवन में जाते हैं तो जाते हैं। तो जब उपका चला जाता है तो चापा जो है बहुत दुखी हो जाती है, तो वो भी अपने बेटे को उसके अपने पिताजी को दे देती है और वो भी चली जाती है भिक्षुणी बनने और वो वहाँ साधना करके अरहंत हो जाती है। तो जब अरहंत शी बिकम्स अरहंत देन शी रिकॉल्स हर डायलॉग विद द विद हर हस्बैंड बिफोर शी गोज और वही उसके वर्सेस बन जाती हैं। तो ये जो इसमें 20 वर्सेस हैं 21 वर्सेस वही हैं जो उसका डायलॉग होता है अपने हस्बैंड से बिफोर ही लीव्स द हाउस। So it is quite different from the usual exaltation of the Arahant theories. तो चापा जो है वो इसी जन्म में अरहंत हो जाती है। तो फिर उसके बाद वो ये सारी कहानी रिसाइट करती है। तो इसके आप देखें बीच बीच में लिखा हुआ पका चापा का पका चापा, तो दैट्स अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन देम। सो दिस बैकग्राउंड वी कैन नाउ स्टडी। दीपक जी लट्ठी हतत्तो पूरे अस्सी सो दानी मिगा लुद्र को असाय पलिपा गहोरा नासा की परिमितवे पारमितवे लट्ठी तो लाठी हो गई हाथ में हाथ में पूरे पहले असी थी पहले मेरे हाथ में लट्ठी लाठी होती थी ठीक है ना। सोदानी अब मृग होता है मृग लुद्धक होता है शिकारी हम हैं हिरणों का शिकारी बन गया हूँ। वो बेचारा अपने पे अपनी परिस्थिति पे तरस खा रहा है। देन आसाय पलिपा घोरा पलिपा होता है दलदल, तो मैं इस घोर दलदल में फंस गया हूँ ना साखी परमात्र मैंने देखा नहीं है साखी मतलब देखा नहीं है परमात्र दूसरा जो शोर है दूसरा जो किनारा है मतलब इस संसार को पार नहीं कर पाया मैं अभी यहीं फंसा हुआ हूँ। दूसरा ही पढ़ दो इसका पूरा हो जाएगा। सुमत्तम मम मना मन्यमाना मन्यमाना चापा पुता मतोसाई चापाया बंधनम चेतवा पपा जिसम पुनोपहम। मत तो होता है ना जो मद हो जाए पागल हो जाए कैसे ना बहक जाए। सुमत्ता मतलब मैं मान्य माना मैंने विश्वास किया कि मैं उसका इन्फेचुएट हो गया हूँ उसकी
रूप में पागल हो गया हूँ, चापा पुत्तम अतु सही, चापा जो है हमारा जो पुत्र है उसको ठीक से रख रही है और वो याद कर रहा है कि वो जब वो कहती है तो मेरे को रिडिक्यूल करती है, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जो अपने बेटे को जब खुश करती है लोरी सुनाती है तो मेरे को रिडिक्यूल करती रहती है। तो नाउ ही इज टेकिंग अ रिजॉल्व, चापया बंधनम छेदवा, चापा का जो बंधन है जो उससे मेरी अटैचमेंट है मैं उसको काट के छेद करके पब्बजिस्सम पुनोपनम, पुनोपनम दोबारा मैं प्रवृत्त जा लेता हूँ, लूंगा मैं जा रहा हूँ बस। सो ही सेइंग दैट, सो देन चापा विल टेल, चापा का क्या रिस्पॉन्स है आप पढ़िए। मामी तीसरा पढ़ना, मामे कुजी महामुनि नहीं क्रोध परे तस्य सुति अर्थ कुतोतम, मामे कुजी महावीर, कुजी मतलब क्रोधित मत हो, मुझ पर ये महावीर मुझसे क्रोधित मत हो, मामे कुजी महामुनि महामुनि मुझ पर गुस्सा न करो, नहीं क्रोध परे तस्य, मैं क्रोध के पर पुरुष होकर के शुद्धि नहीं अति कुतो तपा, तो तब कहाँ से होगा। यानी अगर तुम कुछ क्रोध के वश में रहोगे तो शुद्धि नहीं होगी और तब भी कैसे करोगे। स्वामी को उसको समझा रही है कि पक हाँ पढ़िए, पक में संच नाड़ा तो क्रोध नाड़ाए वच्छन्ति बंधन्ति इत्थि रूपेण समणे धम आजीविनो, नाला उस जगह का नाम है, यहाँ से निकल जाऊँगा पक्का, यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा नाला से, नालाय वच्छन्ति वच्छति को इद नालाय वच्छति, इस नाला में कौन रहेगा। बंधन्ति इति रूपेण, यहाँ की जो स्त्रियां हैं वो अपने रूप के अंदर समने धम्म आजीविनो, जो श्रमण विचारे धर्म का जीवन जीना चाहते हैं वो फंस जाते हैं यहाँ, इसलिए यहाँ मुझे नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। काड निवत्तस्सु भंज कामे यथापुरे अहंच वसी कथा ये च में संति यातका, काला वो उसको काला कहा करते थे अपने हस्बैंड को, मस्ट बी ब्लैक ना, तो इसको वो काला के नाम से पुकारती है। ए ही काला निवत्तस, वापस आ जाओ यहीं रहो काला, यहीं रहो और यथापुर, जैसे पहले जैसे तुम पहले कामों का भोग करते हो वैसे करो, अहंच वासी कथा मैं तुम्हारे वश में रहूँगी। ये चमे संति और जितने मेरे रिलेटिव हैं वो भी तुम्हारे वश में रहेंगे, अब तुम ही रहेगा। क्या कहते हैं, ये तो चापे चतुर्भागम यथा भाससी त्वंच में तैरत से पोषस्य उलारंगवत तम सिया, तो ये जो तुम कहना चापा, ये जो तुम कह रही हो उसका चतुर्भाग चौथा भाग भी अगर तुम जो तुम मुझसे बोल रही हो यथा भाससी त्वंच में, जो तुम मुझसे बोल रही हो मैं ये सब करूँगी, उसका अगर चौथा भाग भी तुम करोगी किसको, तई रतस्य पोषस्य, किसी भी पुरुष को पोषना, पुरुष को जो तुम में जो मैं प्रेम करता है, अगर उसको तुम इसे चौथा हिस्सा भी करोगे तो वो भी काफ़ी हो जाएगा। उलारंभत तमसिया, वो उसके लिए तुम बहुत अच्छी हो जाओगे, तो मैं नहीं रहूँगा और किसी और के साथ करेंगे, बेसिकली ये कह रहा है चपा कह रही हो। काल नागिम नागिम्बाग तखारिम उपहितम गिरिमुद्धानी पूलम डालिमा लत्तिमोआ अंतुदीपेव पातालिम, सुंदरता बता रही है उसको, काला तो अलग है ना उसका नाम, ओ काला अंगिम इव, अंग मतलब मेरे जो शरीर हैं, जो मेरे अंग हैं शरीर के लिम्स जो हैं, इव तक्करिम, तक्करी कोई पेड़ होता है,
जैसे तकरी पेड़ होता है उसकी तरह से मेरी ब्रांच की शाखाएं होती हैं, वैसे मेरे लिम्ब्स हैं। फिट मतलब फ्लावर करते हुए गिरी मुद्धानी, जो कि गिरी मतलब पहाड़ के ऊपर पे फ्लावरिंग करता है, उस तरह का मेरा शरीर है। फुल्लम दलीमा लट्ठिम इव, जो फुला हुए जो फूले हुए डलीमा है, जो अनार के जो फूल होते हैं उसकी तरह से, जैसे उसकी ब्रांच होगी उस तरह से मेरा शरीर है। अंतोदीपेव पातालिंग, जैसे किसी पाताली ट्री किसी दीप के बीचों बीच हो, मतलब किसी आइलैंड के बीचों बीच पे पाताली ट्री होता होगा जो सुंदर है, उस तरह से मेरा शरीर है। तो मैं शरीर की सुंदरता से उसको रोकना चाहती है। आगे पढ़ लो नेक्स्ट। हरी चंदन चंदन लिट्टा, हरी चंदन लिट्टंगम लिट्टंगम, मतलब हरी चंदन मतलब जो येलो सब पीले रंग का चंदन है, उससे मैं शरीर को पेस्ट करूंगी। काशी कुत्तम धारिणी, काशी का जो बेस्ट कपड़ा है वो पहना करूंगी। तम मम रूपवतीम संतिम, तो मेरे जैसे रूपवान को होने के बावजूद कस्सा तू कहीं और किसके लिए जा रहे हो? She's trying to entice him with her beauty, के तुम इतनी सब सुंदर हूँ मैं, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे? साकुंती को जो बहेलिया हो पक्षियों को जो मारता है, शाकुंती को शकुनी, जैसे एक बहुलिया जो है पक्षियों को पकड़ता है, उसी तरह से तुम मुझे भी बांधना चाहती हो। हरि मेन रूपे न, इस सुंदरता अपने शरीर के रूप के कारण अब तुम मेरे को रोक नहीं सकोगे, बाधियासियों का बाधन नहीं, बाधा नहीं करा सकोगे। अगला ही पढ़ दो। अच्छा, इमं च मे पुत्रफलं कालम उत्पादितं तया न तं मम उत्तवतीं सन्तीं कस्य ऊहाय गच्छसि। इमं च मे पुत्रफलं, मेरे पुत्र का ये मेरा पुत्र रूपी फल है, काल उत्पाद तुम्हारे द्वारा तुम्हारे सारे नहीं पैदा हुआ है। तं मम उत्तवतीं सन्तीं, तुम मेरे जैसी पुत्रवती को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? उहाय के किसी का जा रहे हैं। उहाय का क्या मतलब हुआ? इसके लिए अच्छा। जयंती पुत्ते सप्पैया ततो याति ततो धनं पब्बंजन्ति महावीरा नागो चेतवान बंधनम। सपन्या जो तो 22 लोग जो हैं वो पुत्र को छोड़ देते हैं, पुत्रों को छोड़ देते हैं। ततो और न्याति जो रिश्तेदार हैं, और जो ततो धनम और जो धन है सबको छोड़ देते हैं। पब्बजंती महावीरा, जो महावीर लोग हैं वो प्रवज्जा लेते हैं, जैसे नागो छेत्वान बंधनम, जैसे नाग जो है एलिफेंट जो है बंधन को तोड़ के चला जाता है। इदानी ते इमं पुत्तं दंडेन चुरिकाय वा भूमियं न भूमियं वा निसुम निसुम भिसन पुत्र सोका न गच्छसि। अब मैं क्या करूँगी, ये जो तुम्हारा बेटा है इमं पुत्तं, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, इसको डंडे से और छुरी से भूमि आयम निसुम भिसम, निसुम भिसम उसको नीचे गिरा दूंगी धरती पे, पिटाई विटाई करके धरती में नीचे गिरा दूंगी। और पुत्र शोक आना गच्छ, इसलिए तो पुत्र के शोक के कारण नहीं जाएगा, मैं ये भी कर दूँ, ये भी करने को तैयार। तो उपकार का क्या जवाब है? सच्चे पुत्रम सिंगालिनम कुक्कुराणम पदाहिसी नमम पुत्र कते जम्मी पुन्न पुनरावत
आई ससी, अगर सच्चे नहीं, अगर तुम चाहो इस पुत्र को भेड़ियों को भी दे दो, कुकुराणम और कुत्तों को दे दो, नमम पुत्र कटे जमी और यू रचेड मैन जमी मीन रचेड रचेड वुमेन में इस पुत्र के कारण फिर भी पुनरावत्तय ऐसे ही मैं वापस नहीं आने वाला हूँ, दोबारा वापस नहीं आने वाला हूँ, तुम कुछ भी करना. सो दिस इज द काइंड ऑफ डायलॉग विच इज देयर. देन चापा समझती अब तो ये नहीं मानने वाला, देन शी जस्ट गिव्स अप. हंद खो दानी भदंते कुहिम काला गमिष्यति कतमम काम निगमम नगरम राजधानी हो. अच्छा इंडिविजुअल हंद खो दानी, अच्छा चलिए अब तो आप भदंते कहना शुरू कर दिया उसको. अनरेबल सर अब तो तुम जा ही रह जाए वही. कुहिम काला गमिष्यति, कहाँ जाओगे ये तो बता दो. कतमम गामम निगम, किस गांव में, निगम में, नगर में या राजधानी में कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ. देन उपका गिव्स द रिप्लाई. अहुमा पुबे गानिनो असामना समनो समन मानिनो गमेना गामम विचार विचारी महा नगरे राज धानी, राजधानी राजधानी शब्द यहीं से आया. हम हाँ पुब्बे गाने में पहले जो थे, हम जो हम सब जो थे पहले, हमारा ग्रुप जो होता था, असमना समना मानिन, हम श्रवण सचमुच में नहीं थे लेकिन अपने को श्रवण मानते थे. गामे न गाम हम बच्चा रामा, एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, नगरे राजधानी और एक शहर से राजधानियों में जाया करते थे. ऐसी ऐसो ही भगवा बुद्धो नादिन निरंजन पति सबा दुख पहान दुख पहानाए दुखों को पहानाए प्राण के लिए धम्मम देसे थी पानी नाम तस्सहम संतिकम गच्छम सोमे सत्ता भविष्यति. ऐसो ही भगवान बुद्ध, ऐसे जो हैं भगवान बुद्ध जो हैं, नदीम निरंजनम पति, निरंजरा नदी के पास बैठे हैं रहते हैं, सब दुख पहाना है सारे दुखों को प्रहान करने के लिए, धम्मम देसेति पानिनम प्राणियों को वो धर्म देते हैं, ऐसी धर्म शिक्षा देते हैं. तस अहम संतिकम गच्छम, मैं उनके पास जाके संतिकम तो उनके पास जाके सो में सत्था भविष्यति, वो मेरे टीचर बनेंगे भविष्य. वंदनम दानी वज्जासी लोक मातम अनुतरम पद विखिन्नम च कत्वान आदि से यासी दक्षिणम. वंदनम दानी वज्जासी, आपने उनकी वंदना करनी चाहिए. You should speak, आप जो हैं वहाँ जाके बोलना मेरी तरफ से वंदना करना. लोकनाथम अनुत्तरम, जो अंतर इस लोक के नाथ हैं, जैसा अनुपम नाथ हैं. प्रदिक्षिणंच कत्वाना, प्रदक्षिणा करके आदि से यासी दक्षिणम, जो उसके फ्रूट्स हैं मेरिट्स को मेरे को भेज देना. तंखो लभ लभ ममे ही यथा भाससी त्वंच में वंदनं दानी ते वज्जन लोकनाथं अनुत्तरं. लभम हम है ही, हम सबके लिए ये बहुत लाभ है. एतम को ये सब हम सबके लिए, मतलब उसके अपनी पत्नी दोनों के लिए कह रहे हैं ना, हम दोनों के लिए लाभ है. यथा भाषा से त्वंच में, जिस तरह से तुम अब मेरे से बोल रही हो ये हम दोनों के भले के लिए है. वंदनम दानी ते वज्जम, जो तू कह रही है मैं उसी तरह से वंदना करूँगा. लोकनाथम अनुत्तरम, अनुत्तर लोकनाथ की वैसे ही वंदना करूँगा जैसे तू कह रही है. पदक्षिणंच कत्वान अदिशस्सामि दक्षिणं, और मैं उनकी प्रदक्षिणा करने के बाद मेरिट्स जो हैं आपको डेडिकेट कर दूँगा, शेयरिंग ऑफ मेरिट्स कर दूँगा उनके साथ. तो उसके आगे जो है वो कंपाइलर्स ने लिखा है, दीज आर नॉट हर वर्ड्स. तो जो
संगीति में जो लोग थे उन्होंने ये ऐड किए होंगे जस्ट टू कंप्लीट दिस स्टोरी. ततो चक्काड़ो पक्कामी नदिंग निरंजयं निरंजरं पति सो अद्दसासी अमुद्धम देसंतम अमतं पदम. वहाँ से वो काला चला गया, चला गया और निरंजन नदी पर, निरंजरा नदी पे पहुँचा. वहाँ पर उसने समा संबुद्ध को देखा, धर्म का देते हुए, धर्म देते हुए, अमृत मत का धर्म का शिक्षा देते हुए देखा हो. शिक्षा क्या थी? स्टैंडर्ड है. अच्छा, दुखन दुखन दुख समुपादन दुख सच अतिकम्मन अरियन चट्ठम मग्गम मग्गम दुख उपशमन दुख का शिक्षा, दुख के उत्पाद की शिक्षा, दुख के अतिक्रमण की शिक्षा, हरिय मार्ग की शिक्षा, जिससे कि दुख शांत हो, उसका उपशमन हो जाता है. तस् पादानि वंदित्वान कत्वान नंग पदक्षिणं चापाय आदि सित्वान पब्बज्जिं अनागार्यं तिस्सो विज्जा अनुपत्ता कथं बुद्धस्य शासनम्. उनके उनके चरणों को वंदना करके, वंदना करके कत्वान नंग पदक्षिणं और उनकी प्रदक्षिणा करकर चापाय आदि सित्वान चापा को मेरिट से उसको पासों की सत्वान पब्बज्जिंग अनागार्यम और प्रवज्जा प्रवज्जित हुआ घर से बाहर होने के लिए प्रवज्जित हुआ.